निर्माता ठाकुर जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर फिल्म की सफलता के लिए की कामना। अयोध्या में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मनाई गई जयंती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान कार्यक्रम। सीतापुर ने बॉलीवुड फिल्म स्काई फोर्स की होगी शूटिंग, 31 अगस्त तक अक्षय कुमार और सारा अली खान सीतापुर में करेंगे शूटिंग। मिट्टी का टीला धंसने से दबे तीन बच्चे, एक बच्चे की मौके पर हुई मौत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिट्टी का टीला धंसने से तीन बच्चे धंस गए और एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। घर की लिपाई पोताई के लिए खेत से मिट्टी लेने गए थे बच्चे, घायल बच्चों को कराया गया CHC में भर्ती। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के हरपालपुर गांव का बताया जा रहा है पूरा मामला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिट्टी के टीले में बच्चे, इस वक्त की बड़ी खबर, मिट्टी का टीला धंसने से दबे तीन बच्चे, एक बच्चे की मौके पर हुई मौत। घर की लिपाई पुताई के लिए खेत से मिट्टी लेने गए थे बच्चे, घायल बच्चों को CHC अजीतमल में कराया गया भर्ती। पति ने पत्नी को फोन पर दिया तीन तलाक, तलाक देने के बाद दिया जान से मारने की धमकी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पति ने पत्नी को फोन पर दिया तलाक, तलाक देने के बाद दी जान से मारने की धमकी। पत्नी ने पति सहित तीन लोगों पर दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई के दिए आदेश। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पति ने पत्नी को फोन पर दिया तलाक, तलाक देने के बाद दी जान से मारने की धमकी। पति सहित तीन लोगों पर दर्ज कराया गया मुकदमा, पुलिस ने मामला दर्ज कर की कार्रवाई के आदेश। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार दो बाइक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल, बाइक सवार एक बच्चे की मौके पर हुई मौत, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पूरा मामला विवार थाना क्षेत्र के जलालपुर का बताया जा रहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बताया है, जहां तेज रफ्तार दो बाइक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल, बाइक सवार एक बच्चे की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से एक युवक की हुई मौत, बस चालक मौके से हुआ फरार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस के पास का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीतापुर से, जहां सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ बड़ा हादसा, हादसे में एक युवक की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बुलेटिन का। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में हतियाखेड़ा गांव में पैसे को लेकर विवाद हुआ। दरअसल 100 रुपए को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक को लाठी डंडों से पीटा गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल युवक को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हसनपुर रहरा मार्ग रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने धरना खत्म किया। उसको जो चीनी लेने के बदले उसने 100 रुपए दिए, उसने 100 रुपए उठा लिए दबंग आदमी ने, उसने मांगे तो उसको डंडा से बार करा, उसके गर्दन तोड़ दी। यहाँ से डॉक्टरों ने बिल्कुल मृत घोषित कर दिया उसको। 2 घंटे के बाद यहाँ से ले जाने के बाद हसनपुर भारतीय के यहाँ से मेरठ जाने के बाद 2 घंटे वेंटिलेटर पर रखा, उसमें कुछ नहीं, उसका टेस्ट कराया, ये गर्दन टूटी हुई अंदर फंसी हुई, दिमाग की डैमेज नहीं फंसा हुई उसको। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, दुकानदार के यहाँ से डंडा लिया और दुकानदार के यहाँ ही वो मुखर बैठा हुआ था, पहले से ही बैठा हुआ था, जो कि डंडा भी दुकानदार का है और दुकानदार उसे बचा भी सकता था, दोनों को समझौता करा सका, लेकिन वो मरवाने का हाथ दुकानदार का। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस कार्रवाई मामला है। ये मामला ये है जी, ये रात को ड्रिंक करके आया था और ये दुकान पे मंडल लेने के लिए पहुंचने के लिए जो काउंटर पे इन्हें रुपए धर देते 100 रुपए धरे थे, उसने एक लड़के, तीन चार लड़के थे इसमें, और जो एक लड़के ने उसमें 100 का नोट अलग दुबका लिया, हमें काउंटर पे रुपए नहीं धरे तुमने, हमें 100 रुपए दे। तो उसने लड़के ने केशव घर पर आ गया, तो उसके बाद वो वहाँ से डंडा लेकर दुकान में से, जिस दुकान में बैठा था उसी खोपड़ी में आके मार दिया। किसने मारा डंडा? उसका नाम तो मुझे पता नहीं है। हाँ और जी
और ये लड़के दो थे जिसने मारा था। खबर अयोध्या से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस के तौर पर कांग्रेसियों ने रक्तदान किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति के जनक थे। पंचायती राज में जो बदलाव आया उसके भी जनक राजीव गांधी थे। उनके जन्म दिवस के मौके पर रक्तदान कर युवा कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया, ये हम लोग एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य कर रहे हैं। रक्तदान महादान है, जीवनदान है, सभी का रक्तदान करना चाहिए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और मुझे लगता है कि इस रक्तदान शिविर के माध्यम से राजीव जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और मुझे लगता है कि वो एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और हम लोग बहुत प्रभावित रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित रहा हूं। उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनकी जो सोच थी और 1985 में जो उन्होंने ड्रीम्स देखा था, जो सपना देखा था, वो देखिए आज कहां से क्रियान्वित हो रहे, चाहे कंप्यूटर लाने का माध्यम हो, चाहे संचार क्रांति में जो उन्होंने काम किया हो वो हो, तो और देश के लिए वो बलिदान भी उन्होंने अपना दिया। अमरोहा के गजरौला में तिगरी गंगा धाम में बाढ़ का पानी ज्यादा हो जाने की वजह से शमशान घाट पर जलने वाले मुर्दों को गांव वालों के घरों के पास जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने जमकर हंगामा काटा और घरों के पास चिताएं जलाने को का विरोध किया। मामले में गांव के रहने वाले पंडित ने कहा कि गांव बाढ़ के पानी में डूब चुका है, लेकिन यहां शमशान घाट पर रोजाना सैकड़ों लोगों का अंतिम संस्कार होता है, मगर अब इस वजह से यहां लोग घरों के पास जलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग बेहद परेशान हैं। हमारे घरों में दुर्गंध और धुएं के कारण ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये घर के सामने जहाँ लोग स्नान करते हैं और हमारे घर पर ही हैं, वहीं पे चिता जबरदस्ती जलाई जा रही है। 100 नंबर की गाड़ी भी आई है, ये भी कोई सह। हरदोई के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर बेलग्राम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और बाढ़ राहत का जायजा लिया, साथ ही राहत सामग्री का वितरण किया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जिन घरों में पानी भर गया है और खाने पीने की समस्या है, उन्हें सुबह शाम खाने की व्यवस्था कराई जाए और पानी बढ़ने पर बच्चों को स्कूल और सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। ये बेलग्राम तहसील का ये इलाका जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र सदैव से रहा है। जी सर, यहाँ बाढ़ प्राय आती रहती है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार से की गई है, हमारे साथ आदरणीय जिलाधिकारी हैं, कप्तान साहब भी हैं और बाकी सभी प्रशासन सीएमओ साहब भी हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी हैं, पूरी तरीके से सब लोग मुस्तैद हैं। सभी हमारे जो प्रभावित लोग हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से एक राहत सामग्री का किट जिसमें आटा भी है, चावल है, नमक है, बिस्कुट हैं और बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती, वो सभी उसमें रखी गई है। साथ ही साथ उसको आवश्यकता अगर पड़े घर अगर गिर। बिहार के कुलपति राजेश सिंह पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसकी जांच लोकायुक्त तो बिहार द्वारा संचालित है। उसके बाद भी उन्हें दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं इस तरह की बातें बदने लगी हैं कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे जिस कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोप में जाँच चल रही हो और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया जाए। क्या सर्च कमेटी ने एफिडेविट देखा था? नियुक्ति से पहले विजिलेंस की जाँच हुई थी? क्या जाँच में राजेश सिंह का भ्रष्टाचार सामने नहीं आया और जल चुनाव कराया जाए ताकि ऐसे मामलों में रोक लगाई जाए? इन सभी सवालों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एनईपी के नाम पर, इंप्लीमेंटेशन के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली हो रही है और ये वसूली छात्र संगठन के रूप में परिषद स्वीकृत नहीं देखिए, एबीईपी अपनी हर समय एक संगठन के रूप में, छात्र संगठन के रूप में अपनी नागरिक भूमिका का निर्वहन करने में कभी भी कोई गुरेज नहीं किया, परहेज नहीं किया है। हम हर मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने का प्रयास करते, इसलिए आज भी मैं बोल रहा हूँ कि ये पर संवादहीनता परिस्थिति उत्पन्न इसलिए हुई है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे और गोरखपुर विश्वविद्यालय तो ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ शिक्षक संघ के भी चुनाव प्रतिबंधित है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। और मेरा सवाल ये है, महत्वपूर्ण सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, देखिए तीन मेरे महत्वपूर्ण सवाल हैं कि सर्च
मथुरा में गदर दो फिल्म निर्माता निर्देशक मथुरा के मूल निवासी अनिल कुमार शर्मा और अभिनेता और उनके बेटे ने अपनी टीम के साथ ठाकुर मंदिर द्वारिकाधीश के दर्शन और आरती की, साथ ही फिल्म की सफलता के लिए कामना की। इस अवसर पर मंदिर के इतिहास के बारे में मंदिर के विधि और मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने उन्हें 25 सितम्बर से प्रारंभ होने वाली व्रज 84 कोश यात्रा में आने का निमंत्रण दिया, जिसे अनिल शर्मा ने सहर्ष स्वीकार किया। पूजनीय भैया अखिलेश सिंह के चतुर्थ पुण्यतिथि के मौके पर उनको श्रद्धांजलि दी गई और रायबरेली में सुपरमार्केट में हर बार की तरह एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और जननायक को याद किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक पूनम सिंह ने कहा कि स्वर्गीय अखिलेश सिंह जैसा कोई दूसरा नहीं आएगा और आज के दिन सभी लोग अपने जननायक को याद कर रहे हैं। आज मेरे बड़े भाई स्वर्गीय अखिलेश सिंह जी की पुण्यतिथि है, चौथी पुण्यतिथि है, तो आज सुबह हमने गुरुद्वारे में जाकर के अरदास की उनके लिए और अभी ये भंडारा शिवशक्ति के द्वारा भंडारा करवाया गया है और भैया की पुण्यतिथि है इसलिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। विधायक जी के लिए एक ऐसी शख्सियत थे जिनका लोग अपने शब्दों में नहीं उनके बारे में बता पाते हैं, उनको लोगों के लिए उनके लिए लोगों का प्यार देख करके सच में लगता है कि उन्होंने बहुत बहुत लोगों के लिए काम किया होगा। तो रायबरेली की जनता आज उनके लिए आज उनको याद कर रही है और हमारी इस कार्यक्रम में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, सभी आए हुए हैं। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भैया के रायबरेली में तेज रफ्तार डीसीएम और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान दोनों वाहनों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के बनावा का है। सीतापुर में फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री सारा अली खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय कुमार एयरफोर्स अफसर का किरदार निभाएंगे। इससे पहले यहां अजय देवगन भी फिल्म की शूटिंग कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पीएससी कार्यालय में फिल्म की शूटिंग के लिए वायुसेना आदमपुर पंजाब कार्यालय का सेटअप बनाया गया है। यहाँ फिल्म की शूटिंग 31 अगस्त तक जारी रहेगी। फिल्म में अक्षय कुमार एक वायुसेना अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं सारा अली खान भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।